सो हाँ जी गाइज वेलकम। सो गाइज आज के ब्लॉग की शुरुआत मैंने गाइज मैं और दीदी मॉर्निंग के टाइम में आए थे पावड़ी के पास पानी लाने के लिए। बट यहाँ पे ना एक हमें ऐसी चीज़ दिख जाती है गाइज पावड़ी में, ठीक है आपको दिखाते हैं अभी। तो हम यहाँ पे ना शेयर कर ही रहे थे पानी भर जाने के बाद, पानी के जो पीपे थे वो भर चुके थे। तो अचानक से ना तुम्हारे भाई की नज़र ना इस पानी में जाती है, ये पानी का जो बना हुआ है ना स्टोर करने के लिए, तो इसमें जाती है। तो यहाँ पे ना मुझे कुछ दिख जाता है कि यहाँ पे कुछ मरा हुआ है। तो जैसे मुझे दिखता है ना पहली नज़र में गाइज मुझे लगता है कि ये चूहा है, बट ये चूहा नहीं होता है। अभी मैं इसको बाहर निकालूंगा ना, फिर आप देखना अपनी आंखों से कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। तो ये बेचारे की मौत हो चुकी है गाइज इस टाइम पे। ऐसे कुछ नहीं कि हमारे ही सामने ही ये पानी में गया, अगर सामने जाता तो हम इसे बचा देते ना, नो डाउट बचाते। बट ये मुझे लग रहा है कि पिछली रात का ही पानी में चला गया होगा और पूरी रात पानी में ही रहा होगा, या तो फिर पानी पीने के लिए गया होगा। ऐसा हो सकता है गाइज कि ये पानी पीने के लिए गया होगा। और गाइज अभी मैं निकालता हूँ, देख लो। तो ये चूहा तो नहीं था, तो ये गाइस ये था, इसको हमारी पहाड़ी में ईण कहते हैं। ईण जो कि चील के पेड़ों में रहते हैं, रात को निकलते हैं। पहले तो दिन को तो पत्थरों में रहते हैं, ठीक है, बड़े बड़े पत्थरों में, फिर रात को निकलते हैं। और फिर चील के पेड़ में जो कश्ती होती है ना, कश्तियाँ गोल गोल सी, जिसको हम जलाते भी आगों में, जिसकी आग खतरनाक तरीके से जलती है। गाइज आई नो जो हिमाचल से हमारे सब्सक्राइबर है ना, वैसे तो मैक्सिमम अपने हिमाचल से अभी सब्सक्राइबर है, तो उन सभी को पता होगा चील की कश्ती किसको कहते हैं। गाइज एक तो ना गर्मियों में इस जो टैंक है ना, छोटा सा टैंक है, टैंक ही समझ लो इसको आप, इसमें ना पानी बहुत कम हो चुका है। अगर ये भरी होता ना तो शायद इसे इसकी जान नहीं जाती। और फिर गाइज एक ना एक चीज़ हमें और करके रखनी चाहिए थी, इसमें ना एक डंडा जैसा लगा के रखना चाहिए था, मतलब बाहर से अंदर को पानी में को, ताकि ये उसकी सहायता से नीचे को उतरता और पानी पी के आराम से ऊपर आ जाता। बट ये चला गया होगा, इसको प्यास लग रही होगी और जिसकी वजह से बेचारे की जान ही चली गई। एक तो जंगल में आग लगी हुई, वहाँ पर जैसे तैसे करके इसने अपनी जान बचाई होगी, बट यहाँ पर अपनी जान गंवा दी यार। तो जिन जिन लोगों ने नहीं देखा होगा इसको, इनको तो वो देख लो गाइस, इनके ना छोटे छोटे से पंख होते हैं। तो पंख तो नहीं क्या होगा गाइस हम इसको, तो ये मतलब ऐसे होता है स्किन से होती है, जिसकी मदद से गाइस ये एक पेड़ से दूसरे पेड़ में, चाहे जितना दूरी तक पेड़ हो उस पेड़ में उड़ के जाते हैं। तो ये तो काफ़ी बड़ी बड़ी आँखें होती है गाइस इनकी, जो कि नीले रंग की हो चुकी है अभी। सो ही गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू नोटॉक व्लॉग्स के चैनल में गाइस आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सो गाइस इस व्लॉग में सबसे पहले तो हम बावड़ी के पास पानी ले जाने के लिए जा रहे थे। सो गाइस उसको चेकआउट करो आप सबसे पहले, उसके बाद गाइस हम लोग अभी आ चुके हैं अपने खेतों में। खेत में ना गाइस थोड़ा काम निपटा लेते यार, क्योंकि गाइस ये चेक कर पा रहे हो ना आप लोग, ये देखो इसकी ना हम स्टे देंगे इन डंडों का। इस तरह के पीस है जो कि कटवा के हमने स्पेशली इसके लिए बनाया था, खेत में यूज़ करने के लिए, कि हम इससे स्टे दे सके अपने खेतों में। तो आपको बता देता हूँ मैं हमने आज इसमें क्या काम करना है, ठीक है। देखो गाइज ये जो रो है ना, ये लाइन जो है ना, ये लास्ट तक गई हुई एंड तक। तो जब इसमें टमाटर लगते हैं ना, तो ये एक साइड को ना झुके है ना, सपोर्ट दी हुई हमने टमाटर के लिए, ये आगे को ना झुके। तो इसीलिए गाइज यहाँ पर ना हम इस सरिये का ना पीस ऐसे गाड़ देंगे ज़मीन में, और इसमें लगा देंगे ये डोरी जैसी, इसको पकड़ के, ठीक है, ताकि ये आगे को ना झुके। और ऐसे ही गाइज उस साइड करेंगे हम लास्ट में एंड में, ताकि ये इकट्ठी ना हो जाए आपस में। तो इसीलिए गाइज ये एंड एंड पे हमने रख दिया, जहाँ पे भी ये लाइन एंड होती है ना, वहाँ पे, जैसे यहाँ पे एंड होती थी यहाँ पे, और लास्ट लास्ट में जैसे ये छोटी छोटी लाइनें जो है ये एंड हो रही है वहाँ वहाँ पर गाइज, ठीक है, ताकि ये इकट्ठी ना हो। तो ये काम करती गाइज काफ़ी, ताकि टमाटर हमारे सेफ रहे। तो चलो गाइज अभी इसको ना निपटा लेते हैं, थोड़े लेट हो चुके हैं हम घर से आने में, आज धूप ही निकल चुकी है काफ़ी तेज डेली की तरह, तो निपटा लेते गए फट काम से फटाफट से। अभी इस खेत में थोड़े लेट लगाए थे टमाटर, तो इसमें टमाटर लगे, ये साइड में देखो अंकल ने टमाटर लगा दिए थे, या तो इसमें टमाटर लगे हुए, थोड़े जल्दी लगे थे ना, महीना भर जल्दी लगे थे नीचे वाले टमाटर। तो बस वही है कि बारिश नहीं हो रही, अगर बारिश होती तो बढ़िया हो जाते और भी अच्छे। बाकी गए जो हमारा ब्लॉग को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, लाइक शेयर कमेंट, और गए हमारे चैनल को कर दो सब्सक्राइब। तो हाँ जी गए हम लोग ना खेत से आ चुके हैं वापस, और तुम्हारा भाई ना भी नहा भी है। तेज़ धूप पड़ने से पहले पहले हम लोग घर पहुंच गए थे। तो घर आके ना गाइज फिलहाल तो दीदी और ने ना गाइज काफ़ी काम निटाया, पापा को ना एकदम से नया छोकर जवान बना दिया है, काली मेहंदी लगाई उनके बालों में, ठीक है, अभी दिखाता हूँ गाइज फाइनल लुक दिखाएंगे आपको। अभी पापा ना नहाने के लिए गए हुए हैं, ठीक है, तो उससे पहले गाइज आपको एक चीज़ दिखा देते हैं, ये ना गाइज अनुदी लेके आए थे कल गुरुवाज के लिए कपड़े, एक है फौजी ड्रेस, इसके साथ पजामे भी है गाइज, एक फौजी ड्रेस है ना, एक ये वाला है। पुरांश को ना रात को गाइस हम दिखा रहे थे, तो पुरांश ना ये वाले को ज्यादा पसंद कर रहा, इसी को भी पकड़ रहा था, दिखाया मैंने हां रात को ऊपर रूम में, हां इसको पकड़ रहा था, उसको ऐसे कलरफुल अच्छे लगते ड्रेस है ना, उसमें से भी दिखाते ना, जो मैं नहाने से पहले दो ड्रेस दिखाती, जो उसको अच्छा लगे बस उसको देखता रहेगा, ये लगाना देना, ये तो धोने लगे थे तब गीला हो गया, इसको धोने लगे थे, और दीदी और लेके आए थे
हेयर ड्राई कर लेता हूँ गाइस, ठीक है, बालों को सुखा लेते हैं ना, और साथ में कर्ली कर्ली से हो रहे हैं गाइस बाल, बस थोड़े से और बड़े हो जाए फिर कर्ल करवा लेंगे अपन अपने बालों को, ठीक है। हाँ जी गाइस, तो अभी रात हो चुकी है बाहर, ये चेकआउट करो आप लोग, दर्जी बैठे हुए, दर्जी अभी भी लगे हुए काम करने के लिए। दीदी ये किसका है? मम्मी का सूट है ना, क्या कर रहे हैं अभी इसमें? कटिंग कटिंग शटिंग। और यहाँ पे गाइस देखो, कस्टमर अपनी दादी का सूट लेने के लिए तैयार बैठे हुए कि कब जैसे दर्जी सी ले और कब जैसे इसको हम लेके जाएं दादी को दिखाएं। मम्मी तो किचन में ना लगे हुए छुपाती हूँ, नींद आ रही है गाइस तुम्हारे भाई को भी, है ना प्रभाष जी? नींद आ रही है अभी, प्रभाष अभी सोया हुआ था, दीदी ने मेरे से डिमांड की कि भाई इस बल्ब की लाइट ना बहुत कम है, तो दूसरे को बल्ब लगा दे। अब मैं गया लाइट ढूंढने के लिए दूसरी, जो कि हमारे रूम में रखी हुई थी, मैं गया और प्रभाष तो उठ के बैठा हुआ, प्रभाष उठ के बैठा हुआ, फिर इसको बाहर लेके आना पड़ा। वैसे यहाँ पर ठंडक है बढ़िया, मस्त वाली ठंडक है ना प्रभाष, अगर नहीं जाता ना टाइम से तब तो ये चिल्ला चिल्ला के ना इसने रोना शुरू कर देना था। अभी आओगे ना लाइट ठीक, अभी पियाने का दिया जुगाड़ गए लाइट का तगड़े वाला। अभी देखो कितना तरीके की लाइट आ रही है ना, ये देखो गाइस अभी है ना लाइट तगड़ी वाली, अभी अन्न दीदी से तगड़ा दिखेगा तगड़ा गाइस। ये तो ठीक है अन्न दीदी ने, किसकी आंखों पे लाइट जब पड़ेगी और तेज लाइट है, अभी ठीक दिखेगा इनसे, अभी ठीक दिखा दीदी ओन दीदी, ओए ध्यान इसमें है सर, अभी ठीक दिखा प्रांश पिया बुआ को और अनु बुआ को, पिया बुआ अनु बुआ को दोनों को बोलते कि मेरी दादी का सूट जल्दी से जल्दी तैयार कर दो, मुझे 2 या 3 मिनट में, लास्ट 3 मिनट में सूट तैयार करके चाहिए, तो चाहिए वो तो प्रवास बोलो। सूट तैयार कर दो, तो चलो गैस सूट तो हो जाएगा थोड़ी देर में तैयार ना, प्रवास दे भी देगा अपनी दादी को। बाकी गैस आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, अभी नींद भी आ रही है मुझे, अभी खाना वगैरह खाना है फिलहाल, तो नवीन और जीजू ने खाना खा लिया है, अभी हम लोग रहते हैं, प्रवास भी रहता है खाना खाने के लिए, ठीक है, तो एंड करना पड़ेगा वैसे आज के ब्लॉग को यहीं पे। अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्रवास लाइक शेयर कमेंट और चैनल को कर देना सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में प्रवास के साथ, ठीक है, बाय बाय, बाय का प्रवास बाय। बाय गाइस, ओके।